टीकमगढ़ में ओबीसी महासभा के युवकों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। युवकों ने ज्ञापन में अपनी 15 सूत्रीय मांगों को रखा, जिसमें पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग और जातिगत जनगणना करवाने की मांग सहित 15 मांगे हैं। महासभा के युवकों ने कहा है कि सरकार मांग नहीं मानती है तो पूरे भोपाल में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर लगातार 5 दिनों से टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट के सामने ओबीसी महासभा के युवक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब ओबीसी महासभा के युवकों ने आज अर्ध नग्न होकर शहर के चक्कर लगा दिए, कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। युवकों ने ज्ञापन में अपनी 15 सूत्रीय मांगों को रखा, जिसपे किसानों की फसलों की कीमत बढ़ाने की मांग, आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग, विधानसभा और लोकसभा में ओबीसी आरक्षण करने की मांग, पुराने पेंशन बहाल करने की मांग व जातिगत जनगणना करने की मांग शामिल है। ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार यदि हमारी मांग नहीं मानती है तो भोपाल में संपूर्ण पिछड़ा वर्ग महासभा ईंट से ईंट बजा देगी। ओबीसी महासभा के धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोग मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन को कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है। वहीं ओबीसी जिला अध्यक्ष सीताराम लोधी सहित नीलेश यादव की उपस्थिति प्रमुख रूप से रही और ग्रामीण परिवेश से आए तमाम युवक शामिल हुए। इनमें मांगे 15 सूत्री थी। हम लोग धरना स्थल से सम्मान सिस्टम से रैली निकाल करके अस्पताल चौराहे तक हमारे सभी साथी पहुंचे, वहां से भी आए, लेकिन शासन शिवराज सरकार किसी भी प्रकार से हमारी पिछड़ा वर्ग की ना सुन रही है और उनके द्वारा जो ये प्रशासन है ये भी दबा हुआ है और काम कर रहा है, मतलब अपनी मनमानी करता है। 5 दिन लगातार दिन रात बैठे रहे, कोई इनका एक आदमी प्रशासन का प्रमुख आदमी नहीं आया है। हमने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर के आज ज्ञापन दिया है। 5 दिवसीय हमारा धरना 25/2/2023 से स्टार्ट हुआ था, आज उसका समापन हुआ है और लिखित में हमने माननीय कलेक्टर महोदय को 15 सूत्रीय मांगे को लेकर के ज्ञापन दिया है। माननीय कलेक्टर महोदय को हम बार बार ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, लेकिन माननीय कलेक्टर महोदय से आज अभी तक 3 वर्ष से आज तक कोई भी हमारी मुलाकात नहीं हुई, न उनके द्वारा कोई भी हमारा ज्ञापन दिया गया है। आज SDM महोदय के माध्यम से हमने फिर ज्ञापन दिया है, जिससे हमारी ओबीसी महासभा की जो टीम है सही में आक्रोश है कि हर बार ऐसा ही क्यों होता है। विभिन्न समस्याओं के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, तो शासन स्तर से मांग को देखिए, तो शासन को भेज के वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।